बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जिस वीडियो का आपको इंतज़ार था, अब वही एक चैप्टर जो है ना वो खुलने लगा है। वो एक एक वर्क करके जो है आप सुनते भी हैं, देखते भी हैं, और स्किप करने का तो आपके जहन में भी नहीं आता। उसकी वजह यह है कि इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें, इतनी इन्फॉर्मेटिव और इतनी इनसाइट स्टोरीज़। शाह जी सिर्फ अपने तजर्बात ही नहीं बल्कि अपने मुशाहदात की भी बात करते हैं, और कोई लगी लिपटी नहीं, कोई किसी किस्म के साथ किसी के साथ पर्सनलाइज नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ क्रिकेट की बात होती है, उसकी इम्प्रूवमेंट की बात होती है। आज हम इस एपिसोड के अंदर एक जो नाखुशगवार वाक़या जो पेश आया, दुनिया क्रिकेट नहीं बल्कि बांग्लादेश की दुनिया के अंदर, जी हाँ, आपको भी, आपकी ख़बरों में भी और आपके भी इसके ऊपर मीडिया के ऊपर अभी आ चुकी होगी। और वो ये कि बांग्लादेश की जो हुकूमत ख़त्म हुई हसीना वाजिद की, तो उसके बाद जो फ़ौज ने जो है ना वो चार्ज संभाल लिया। उसके साथ ही साथ जो है अब क्रिकेट के लिए वो थ्रेट क्या है, क्रिकेट के लिए थ्रेट ये है कि वहाँ पर वेमेन T20 ICC का टूर्नामेंट होने जा रहा था, अब उसके लिए भी जो है वो हो सकता है कि वो उसको जो अल्टरनेट जो है उसका कोई वेन्यू जो है वो या फिर इंडिया हो सकता है या फिर श्रीलंका हो सकता है। इसी तरह जो है पाकिस्तान का दौरा कर रही है दो टेस्ट मैचेस के लिए बांग्लादेश की टीम, उस वो भी खटाई में पड़ने जा रहा है, और अभी तक जो है वो फ़िलहाल कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। PCB के जो हुकाम हैं वो भी इस बात के ऊपर वरीड हैं। तो इस सारे सिनारियो को जो है वो हम शाह जी के साथ बात करते हैं। तारीख की एक खुली किताब है, और इसके बाद फिर उसके बाद इतना इन डेप्थ और इतना दिलचस्प जो है ना वो मतलब के लफ्ज़ों से और फिर उसके बाद चाशनी के साथ भरा हुआ लिपटा हुआ जो है वो ये तबसरा जो है वो आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करना नहीं भूलिएगा। वंस अगेन शाह जी बहुत बहुत आपको खुश आमदेद भी, शुक्रिया भी आपका। आप कीमती वक्त देते हैं, और फिर उसके बाद हमारे व्यूअर्स जो हैं वो इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, खुश हैं इस बात के ऊपर कि हमें एक ऐसे चैनल के ऊपर ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो स्टोरीज मिलती हैं, और बेहतरीन किस्म के जो है ना वो मंझे हुए जो है वो तजिए तबसरे भी मिलते हैं। प्लीज़ देखें, जब मुझसे रजा साहब बात होती है तो आपकी भी लोग इतनी ही तारीफ़ करते हैं, कहते हैं इतना अच्छा, मतलब आपका एक्सेंट, उर्दू के अल्फाज, एक्सप्रेशन मतलब लाजवाब होता है। खैर मैं मुँह पे तो नहीं, मतलब ऑलवेज द पीपल आर आस्किंग फ्रॉम मी के ये बड़ा अच्छा, मैं बताता हूँ उनका एक बड़ा एक्सपीरियंस है। बहुत शुक्रिया आपका। ये आपको जो है ना हम तो आईना ही समझते हैं, आप सामने होते हैं तो हम जो है ना उससे जो है ना वो कुछ लर्न कर रहे होते हैं। आपको बहुत अल्लाह का शुक्र है। तो बाकी यह कि जो आपने बांग्लादेश का बताया कि बांग्लादेश में कभी बड़ा मतलब हॉरिबल एक बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पर एक इनकलाब आया, और इनकलाब वो ऐसे ही आया कि बस वो उधर सारी हुकूमत उलट गई है। हसीना वाजिद जो वहाँ का दो या तीन तीसरी दफ़ा शायद बनी थी प्रेसिडेंट, वो अब वो अब भाग गई हैं, इंडिया भाग गई हैं अपनी जान बचा के। और उसके बाद वहाँ के उनके जो BCB यानी बोर्ड ऑफ क्रिकेट, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो सदर हैं नाजमुल हसन, वो भी इंडिया चले गए, और बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं जो जिनका ताल्लुक इनके साथ था पॉलिटिकल, वो भी लोग या तो अपने शेल्टर में चले गए, कई का मकान जला दिए गए, कुछ जो है वो शायद उनकी खबर नहीं आ रही कि स्नीक कर गए या वहीं पर कहीं छुपे हुए हैं। इस चीज़ की एक जो बांग्लादेश पाकिस्तान आ रही थी उसके लिए पाकिस्तान पे काफ़ी असर पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि अभी तक वहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं आई है, स्टिल जो है सारी जो कुछ है वो फ़ौज के हाथ में, वहाँ पे जो कुछ चल रहा है वो फ़ौज ने संभाला हुआ है। मुल्क नज़्म व ज़ब्त और जितना भी वहाँ पे हंगामे थे उसको सबको कहा कि आप खामोश हो जाइए, अब हम लोग जो है हमने संभाल लिया है। उसके बाद वहाँ पे जो है एक इंटरिम गवर्नमेंट बनने जा रही है, या मतलब मखलूत हुकूमत बनेगी या बुरी हुकूमत, जो कुछ भी है उनका, जो भी उनका प्रोसीजर या आइन कहेगा या जो कुछ वो वहाँ पर डिसाइड है वो हो जाएगा, तो इंटरिम हुकूमत बनेगी, इंटरिम बनेगी तो उसमें वो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसका असर कम से कम 90 दिन की होती है जी, और ये प्रोलॉन्ग कर जाती है, बढ़ जाती है जी। बिल्कुल आपको बात है, 11 साल तक जी जी 11 साल 9 साल चलती है, ये तो ऐसे ही चलती रहती है। तो मेरे ख्याल में अगर ना बना और फौज टेक ओवर किए रखा तो तब भी बुरे हालात हैं, और अगर कोई मखलूत हुकूमत बनती है उसके बाद BCB का क्या बनता है, क्योंकि नाजमुल हसन तो है नहीं, वो किसको चार्ज आजी तौर पे दिया जाता है वहाँ का,
तो वो भी एक वैसा है। तो इससे पाकिस्तान का जो दौरा था बांग्लादेश का वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में या खटाई में पड़ता नज़र आ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि उनको क्रिकेट से ज़्यादा अपने मुल्क की बात होगी कि मुल्क को हमने कैसे चलाना है, कैसे बचाना है, फर्दर हमने गवर्नमेंट कैसे चलानी है। तो डेफिनेटली उसके अंदर फिर इलेक्शन भी आते हैं, वो सब चीज़ें बनाते हैं कि अब हमने इलेक्शन जल्द से जल्द कब कराने हैं, क्योंकि अभी अभी इलेक्शन हुए थे या हसीना वाजिद अभी आई थी, तो मेरे ख्याल में वहाँ पर काफ़ी पैसा खर्च हुआ था। अब तो समझते हैं इलेक्शन में बड़ा पैसा खर्च होता है कि आया गवर्नमेंट उनकी इस काबिल है कि दोबारा इलेक्शन करा दे, या इसी जो आपने बात की बड़ी अच्छी कि इसी को लंबा ले जाए, जो बुरी हुकूमत है उसको लंबा ले जाए, उसमें सारी पार्टीज के लोग इकट्ठा करके वो बना ले। लेकिन हालात बहुत ख़राब हैं, ये मेरा बात कर रहे हैं, हो सकता है बोर्ड ऑफ हमारे पीसीबी को भी इस चीज़ का खबर हो कि वो टीम आती है नहीं आती, क्योंकि टीम इस वक्त बिल्कुल कब ना को टीम बनाने वाला है ना टीम बनने वाली है, और ना टीम आने वाली है और ना टीम आती नजर आ रही है। यार इस वक्त तो जाहिर सारी एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है ना वो फौज तैनात है। बिल्कुल जी। और दूसरी मैं आपको इसे गुजारिश करूं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर बांग्लादेश क्रिकेट टीम के अंदर प्लेयर्स मिसाल पर शकीब उल हसन है, फिर उस बाद तमीम इकबाल था, फिर उससे पहले मुशरफी मुर्तजा था, और फिर उस बाद ये सारे के सारे इत्तफाक से इसी जो ना अवामी पार्टी के जो मतलब कि उसके साथ इलेक्शन तक कंटेस्ट कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल मेजोरिटी बल्कि नहीं कर सकते, सीनियरिटी जो इनकी प्लेयर्स की है वो इसी की हुकूमत की तरफ उनका झुकाव है। और आपको मुशरफी मुर्तजा तो उनका तो घर भी जला दिया गया, जब वो भी रोपोश हो गए, तो अब मुझे नहीं लगता कि मतलब कि वो इनको जो है ना कुछ सेफ पैसेज मिल सकेगा। तो अगर फ़र्ज़ करें कि बांग्लादेश की टीम नहीं आती तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास कोई प्लान बी होगा कि वो अपनी टीम को एंगेज कहाँ करेंगे? देखे रजा साहब, मैं तो एक ही बात फिर करता हूँ कि हमारे पास कभी भी प्लान बी नहीं होता। हम लोग जो हैं जिस तरह से बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड चल रहा है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं थोड़ा सा वो होता हूँ, लोग मतलब कहते भी होंगे कि अंदर जो बोर्ड भी है हमारा एक मतलब धागे में बंधा हुआ है, वो किसी वक्त भी टूट सकता है। इसलिए कि इस बोर्ड के मंसूबे तो बड़े लंबे हैं, बड़े लंबी लंबी बातें हैं, लेकिन इसे कल का नहीं पता। मेरी बात समझ गया जी? जी कुछ तरह जिस तरह ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि कोई किसी की जगह पर कोई अगर प्लेयर खेलता है ठीक है, तो वो दुआइयाँ ही मांग रहा होता है, अल्लाह करे नाकाम ही हो जाए ठीक है। हाँ। और मुझे अगर नहीं खिलाया तो अल्लाह करे जो है ना वो ये सीरीज ही ना हो और मैच ही ना हो। हाँ। तो शाहीन अफरीदी के ऊपर जो है ना मतलब कि ये एक बहुत बड़ा था थ्रेट था कि वो इस सीरीज से उसको जो है ना वो ड्रॉप कर देंगे, जिसकी बड़ी लॉबिंग हो रही, जिसके ऊपर जो है ना बड़ी डिबेट्स हो रही थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने कोई शाहीन अफरीदी ने कोई टूना कर दिया हो, हालांकि बंगाली तो खुद अपने जादू के अंदर जो है ना मशहूर है। जी, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए ये तो एक वैसी बात है मतलब, लेकिन ये कि शाहीन अफरीदी को अगर बाहर बिठाते हैं, ये बेर आप मुश्तर का ये बात करते हैं, तो एक बहुत बड़े क्वार्टर्स को नाराज करते हैं। मेरे समझ गया ना, हमारे यहाँ एक बात बड़ी चीज़ है जो ख़राबी है वो यहाँ जो है प्लेयर्स, मैं शाहीन अफरीदी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, वो मेरे और आपका हम सबका फेवरेट क्रिकेटर है, उसने बड़े मैच जिताए हैं और बड़ा मतलब वो आउट ऑफ वे जाके हमारे साथ परफॉर्म करता रहा है। लेकिन कहता हूँ कि क्योंकि हमारे यहाँ हर प्लेयर्स के पीछे एक पूरी मंजिल है, एक पूरे ग्रुप है हर प्लेयर के पीछे, जो ग्रुप कामयाब हो जाता है वो बोर्ड के अंदर छह रहता है। अब ये नहीं सोचिए, देखिए हमारे में सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि हम लोग सिर्फ एक पॉइंट का एक इलाके का सोचते हैं, हमने कभी पूरे पाकिस्तान का नहीं सोचा, जो जिसके लिए मैं और आप हमेशा आवाज़ उठाते और आवाज़ उठाते रहेंगे। हम बलोचिस्तान के भी साथ हैं, हम केपीके के साथ भी, हम सिंध के साथ भी, गोया हम पूरे पाकिस्तान के साथ हैं, और जिसको हक नहीं मिलता मेयर आप उसके लिए उठ के और कहेंगे कि उसको हक दिया जाए। जैसे हम मैं जी क्रिकेट बोर्ड जो है, क्रिकेट बोर्ड तो फादरली उसको जो है ना मतलब कि करना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो क्रिकेट बोर्ड अगर बाजी अपने को देखे तो फिर 70-70 लाख रुपए लंबी लंबे जो ना बैन वो सारे के सारे ख़त्म हो गए जी। ये तो प्लेयर के ऊपर था ना कि वो प्लेयर पाकिस्तान की ज़रूरत था, तो कितने कितने बड़े जुर्माने जो है ना वो ख़त्म हुए ठीक है। तो शाहीन अफरीदी ने को बहुत बड़ी संगीन गलतियां नहीं की, जितना तीन तरह की उनकी जो ना वो गलतियां जो है वो हुई। पहली तो बात ये है कि वो पब्लिक कैसे हो गई, वो लीक कैसे हो गई खबरें रिपोर्टें, और फिर उसके बाद किसकी जो है ना वो चेयरमैनशिप के अंदर और किसकी सिनेरियो अपना उसकी कस्टडी से जो है ना वो रिपोर्टें लीक हुई हैं।